नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मेसिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लिमिस्टार M1 टैबलेट के बारे में। क्लिमिस्टार M1 टैबलेट को इंडिया में डिस्कवरी मैनक्वांट द्वारा बनाया जाता है। ये 10 गोली की पैकिंग में आती है और इसका प्राइस है 65 रुपीज। आज मैं आपको बताऊंगा क्लिमिस्टार M1 के यूजेस के बारे में, उसके डोजेस के बारे में, क्लिमिस्टार M1 के यूज के दौरान क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और आप लोग को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए क्लिमिस्टार M1 के यूज के दौरान। सबसे पहले आपको बताता हूं क्लिमिस्टार M1 के यूजेस के बारे में। क्लिमिस्टार M1 एक ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है जिसमें दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, मेटफॉर्मिन और लेवराइट। डॉक्टर जनरली क्लिमिस्टार M1 को टाइप 2 डायबिटीज में एडल्ट पेशेंट में प्रिस्क्राइब करते हैं। क्लिमिस्टार M1 को जनरली दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन इंडिविजुअल केस में ये डोज वेरी कर सकती है। आप क्लिमिस्टार M1 को खाने से पहले या खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक दिन में एक फिक्स टाइम पर ही क्लिमिस्टार M1 का सेवन करना चाहिए, जिससे कि डोज मिस होने के चांसेस ना रहे। मैं आपको बताता हूं क्लिमिस्टार M1 के साइड इफेक्ट के बारे में। क्लिमिस्टार M1 वैसे तो काफी सेफ ड्रग है और अगर आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते हैं तो आपको काफी कम साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। उन साइड इफेक्ट के बारे में आपको बताता हूं मैं। आपको नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, आपकी जबान का टेस्ट भी चेंज हो जाता है और वो मेटालिक हो जाता है, आपको गले के इन्फेक्शन हो सकते हैं और साइनोसाइटिस भी हो सकता है, आपको भूख कम लग सकती है और थोड़ा खाने से ही आपका पेट भर सकता है। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो जब डॉक्टर क्लिमिस्टार M1 स्टार्ट करता है तो आपको थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एडजस्ट हो जाते हैं। कुछ साइड इफेक्ट भी हैं जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया और लैक्टिक एसिड डोसिस जो है मुख्य रूप से दो साइड इफेक्ट होते हैं। इसमें आपको बताता हूं हाइपोग्लाइसीमिया और लैक्टिक एसिडोसिस के बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, जब बॉडी में ब्लड में जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल से भी कम हो जाता है, उस सिचुएशन को हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ये काफी खतरनाक सिचुएशन है और इसमें कभी कभी आपको डॉक्टर से संपर्क भी करना पड़ सकता है। मैंने हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कृपया करके आप उस लिंक को खोलिए और आपको क्लिमिस्टार M1 और हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। एक दूसरा साइड इफेक्ट जैसे मैंने बताया लैक्टिक एसिडोसिस, इसमें क्या होता है कि ब्लड में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और ये भी काफी खतरनाक स्थिति हो सकती है। ऐसा कुछ होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्लिमिस्टार M1 किस तरह से काम करती है और कैसे डायबिटीज को कंट्रोल करती है। इसमें आपको बताया क्लिमिस्टार M1 में दो मेडिसिन होती हैं, ग्लिपराइड 1 mg एंड मेटफॉर्मिन 500 mg। ग्लिपराइड क्या करता है, ये पैनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन को बढ़ाता है और मेटफॉर्मिन 3 तरह से डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करता है। पहला क्या करता है, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है और साथ में जो लीवर में ग्लूकोज है जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है उसको ग्लूकोज के रूप में कन्वर्जन को कम करता है और साथ में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। और इस तरह से क्लिमिस्टार M1 एक बहुत अच्छी एंटी डायबिटिक मेडिसिन के रूप में काम करती है। मैं आपको बताता हूं क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए क्लिमिस्टार M1 के यूज के दौरान। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं तो आपको क्लिमिस्टार M1 टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको ग्लिपराइड या मेटफॉर्मिन किसी से भी एलर्जी है तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर आपको क्लिमिस्टार M1 टैबलेट प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। अगर आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या पैनक्रियास में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर आपको क्लिमिस्टार M1 प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको क्लिमिस्टार M1 के यूज के दौरान अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में काफी साइड इफेक्ट हो सकते हैं और स्पेशली आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके लिए आपको या तो अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए या बहुत कम करना चाहिए। आपको
अपना लीवर फंक्शन टेस्ट रेगुलरली कराते रहना चाहिए और साथ में आपको एक रेगुलर इंटरवल पे अपना शुगर लेवल भी रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए और इसकी रिपोर्ट अपने डॉक्टर को देते रहने चाहिए। तो मैं आशा करता हूं आप अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ग्लिमिस्टार M1 टैबलेट रोज लेंगे, साथ में एक हेल्दी डाइट लेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ग्लिमिस्टार M1 टैबलेट से बहुत अच्छे एंटी डायबिटिक इफेक्ट मिलेंगे और आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। मैं आशा करता हूं आपको ग्लिमिस्टार M1 के बारे में ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।